नमस्कार दोस्तों, आज शुरू करते हैं कार्तिक मास महात्म के सातवें दिन की कथा अध्याय सात में। इस अध्याय में हम जानेंगे कार्तिक मास का व्रत रखने वाले मनुष्य को कौन कौन सी वस्तु का त्याग करना चाहिए। नारद जी बोले, हे महाराज, कार्तिक व्रत धारण करने वाले मनुष्य के नियम संक्षेप में सुनो। जो कार्तिक व्रत नियम वालों के लिए त्याज्य है, सब प्रकार की विषासक्त वस्तुएं जैसे आमिष, मांस, उड़द, राई, खटाई और मादक चीजों का उसे परित्याग कर देना चाहिए। यह व्रत धारण करने वाला मनुष्य दूसरे का अन्न ग्रहण ना करे, किसी से द्वेष ना करे और तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा ना करे। देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, स्त्री और राजा आदि की निंदा को सर्वथा त्याग दे और कार्तिक मास का व्रती दाल, तिल, पकवान, खरीदा हुआ भोजन ग्रहण ना करे, चुगली और निंदा ना करे, जीवधारी प्राणी का मांस, चूना, जंभीरी, नींबू, मसूर और बासी और झूठा अन्न ना खाए, बकरी, भैंस, गौ के दूध के सिवा अन्य पशुओं का दूध और ब्राह्मणों से खरीदा हुआ रस, पृथ्वी से पैदा हुआ नमक, ये सब भी छोड़ देवे। तांबे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, पोखर का जल और अपने लिए पकाया हुआ अन्न बिना भगवान के भोग लगाए हुए, इन सब को मांस के तुल्य कहा गया है, अतः ये सब भी प्रयोग नहीं करने चाहिए। कार्तिक व्रती ब्रह्मचर्य से रहे, पृथ्वी पर शयन करे, पत्तल पर भोजन करे और वह भी चौथे पहर में करे। कार्तिक व्रती केवल नरक चौदस अर्थात छोटी दिवाली के दिन तेल लगावे और इस तिथि को छोड़कर अन्य दिन तेल न लगावे। प्याज, घिया, बैंगन, मूली, कुम्हड़ा, कटेरी, तरबूज और कैथ, ये सब कुछ उसे छोड़ने होंगे। प्रति मनुष्य को रजस्वला, चांडाल, पापी, मलेक्ष, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मण द्रोही और नास्तिकों से बातचीत नहीं करनी चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्रायण आदि का व्रत करना चाहिए और उपरोक्त नियमों का पालन करना चाहिए। व्रति को प्रतिपदा को कुम्हड़ा, द्वितीया को कटहल, तृतीया को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दशमी को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर और पूर्णिमा को शाक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवले का प्रयोग ना करे। कार्तिक माह में व्रत करने वाला मनुष्य यदि इन शाकों में से किसी शाक का सेवन करना चाहे तो पहले उसे ब्राह्मण को देखकर ग्रहण करे। यही विधान माघ माह के व्रत के लिए भी है। देवोत्थानी एकादशी से पहले कही गई विधि के अनुसार नृत्य, जागरण, गायन और वादन आदि करना चाहिए। इसका विधि पूर्वक पालन करने वाले मनुष्य को देखकर यमदूत भी ऐसे भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं। कार्तिक माह का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत और यज्ञ हैं, वह हजार की संख्या में किए जाने पर भी इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य को सीधा वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंग रक्षक करते हैं, उसी प्रकार कार्तिक माह का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्र आदि देवता स्वयं करते हैं। व्रती मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है, वहीं पर उसकी पूजा होती है, उसका यश फैलता है। उसके निवास स्थान पर भूत, पिशाच आदि कोई भी नहीं रह पाते। विधि पूर्वक कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्यों के पुण्यों का वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। यह व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला, पुत्र पौत्र आदि प्रदान करने वाला और धन धान्य की वृद्धि करने वाला है।
इति श्री कार्तिक मास महात्म सप्तम अध्याय संपूर्ण।